Uh, you know he uh, from he was the governor from punjab and then with the help of nobles he attacked delhi and captured the throne of delhi uske aage ki kahani ab shuru karte hain ye tughlaq dynasty ka extent tha you can see how huge it was uh, tughlaq dynasty ruled from 1321 to 1398 तीन important rulers गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक शुरुआत करते हैं गाजी मलिक जिन्होंने अपने आप को टाइटल गयासुद्दीन तुगलक का तो जब उन्होंने यू नो कैप्चर किया व्हाट वी कॉल एज डेली सल्तनत पंजाब के गवर्नर थे उसके बाद ही विद द हेल्प ऑफ नोबल्स उन्होंने खिलजी को आउट आउट रूल किया और खुद आके यू नो रूल शुरू किया

और जौना और उलो खान ये तीनों नाम हैं उसकी मदद से जैसे ही खिलजीज का डाउनफॉल uh, आता है जैसे ही वो वीक you know, पड़ते हैं जो तो जो प्रोविंस उन्होंने मलिक काफूर और दूसरे जनरल्स ने ऑक्यूपाई की थी वो नो you डिसइंटीग्रेट know, हो जाती है एंड दैट <coughs> वॉज अगेन रिकवर्ड बाय उलूक खान और जोना खान और फख्रलिकोल पहली बार होता है uh, सल्तनत ने कभी भी बंगाल की तरफ रुख नहीं किया था जब बलबंद के बाद से सो so, ये पहली बार हुआ गाजिमलिकॉज पर्सन वॉज एजिड

एंड अगेन मंगोल्स तो अटैक कर ही रहे थे मंगोल्स कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे गवर्नर ऑफ पंजाब गवर्नर ऑफ पंजाब उसे पता था कि मंगोल्स का अटैक किस तरीके से टैकल करना है सो ही डिड द सेम वंगस अटैक ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड एंड एक्चुअली जब बंगाल

चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वाले फरमान शुरू हो गए सो so, ऐसा क्या था आइए देखते हैं कि मोहम्मद बिन तगलक को मोहम्मद बिन तगलक की पॉलिसी इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया <coughs> एन सी एवरी वॉर हैज अ कॉस्ट जब भी कॉन्क्वेस्ट की बात आएगी जब भी इस तरीके का यू you नो know, कोई uh, कहना चाहिए <coughs> होता है जिसमें कैप्चर करना है कॉन्कर करना है तो उसमें पैसा तो लगेगा और uh, तुगलक uh, गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दिया जिसकी वजह से जो शाही खजाने थे वो खाली हो गए अब शाही खजाने खाली हो गए तो उन्हें सबसे पहला टास्क है कि शाही खजानों को भरना है सो so, uh,

और ये यमुना आके मिलती है लग से और ये इलाहाबाद है प्रयागराज है तो ये जो रीजन है ना ये वाला जो रीजन है ये गंगा यमुना का दुआब जो है इट इज क्वाइट फर्टाइल एंड मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑब्वियसली जो रिवर बेड्स पे है ये बहुत ज्यादा uh, कल्टीवेशन अच्छा है आज भी यहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा है uh, दी पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी द गैंजेटिक प्लेन्स इस रीजन की अगर हम बात करें सो so, जब यहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कल्टीवेशन ज्यादा था तो इसने सोचा टैक्स भी ज्यादा कर देते हैं लोगों ने बोला भैया इतना टैक्स देने की तो हमें हम हिम्मत है नहीं हम क्या करें हम कल्टिवेशन ही बंद कर देते हैं हम इतना हैवी टैक्स नहीं दे सकते तो लोगों ने जब कल्टिवेशन बंद कर दिया तो ऑब्वियसली दिस दिसेक्ट टू वॉट अल्टीमेटली शॉर्टेज uh, you know, खाने की कमी हुई तो इसकी ये वाली जो पॉलिसी थी इट लेड टू सीवियर फूड शॉर्टेज एंड द नेक्स्ट डिसीजन दैट वाज लाइक एक्स्ट्रोर्डिनरी क्योंकि आप यहां पे देखिए ये दिल्ली है ये दिल्ली है ये लाहौर है यहाँ पे जब उनको लगा कि हम बिकॉज फ्रॉम डेली ही दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस रीजन तो उसने कहा लेट लेटस डू वन थिंग लेट शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम डेही टू दौलताबाद अब नाउ यू कैन इमेजिन थर्टीन ट्वेंटीज में थर्टीन ट्वेंटी फाइव के बाद उस दौर में कैपिटल को शिफ्ट करना एंड ऑर्डर द कॉमन पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू शिफ्ट टू देवगिरी देवगिरी वॉज लेटर रीनेम्ड एज दौलताबाद तो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी जो है कैपिटल शिफ्ट हुई और सिर्फ कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई बोले सब साजो सामान के साथ बिल्कुल हर कोई जाएगा जैसा दिल्ली था वैसे ही देवगिरी बनाना है अब आधे लोग तो रास्ते में मर गए क्यों इतना लंबा ट्रैवल था एंड एवरीथिंग एंड एंड व्हेन ही एक्चुअली जब वो दौलताबाद पहुंचा तो वहां उसे रियलाइज हुआ कि मैं दौलताबाद तो आ गया डेक्कन को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आई एम अनबल टू आई एम लूजिंग माई स्ट्रोल चलो टू दौलताबाद so और देवगिरी एंड अगेन फ्रॉम देयर टू बैक टू डेली ये इसका डिसीजन इज ऑलवेज क्रिटिसाइज एक और इनका बड़ा अजीब गरीब से फरमान था दैट ही इंट्रोड्यूस दॉपर करेंसी सिस्टम तो पहले सिल्वर टका चलता था सोने के सिक्के चलते थे पीतर तो उसने बोला देखो ऐसा है कि हम टोकन करेंसी चलाएंगे टोकन करेंसी का मतलब कॉपर के सिक्के की भी वही वैल्यू होगी जो गोल्ड के सिक्के की वैल्यू थी मतलब इट्स लाइक अ टोकन करेंसी टोकन करेंसी जब इंट्रोड्यूस की तो अब हिंदुस्तान तो है ही महान लोगों का देश और जुगाड़ करने में तो वी आर लाइक हमारे पास वर्ल्ड मास्टरी है लोगों ने क्या किया उनके घर में जो कॉपर के बर्तन थे उसको पिघला पिघला के ना सिक्के बनाने शुरू कर दिए अल्टीमेटली दैट लेड टू टू हाइपर इन्फ्लेशन मच सप्लाई क्योंकि अब पहले क्या था सरकारी या जो शाही मिंटिंग थी वहां से आ रहा था लोगों और क्योंकि सोना और चांदी महंगा था तो हर किसी के पास होता नहीं था तो वो इकोनॉमी को बैलेंस किया हुआ था लेकिन जैसे ही ये टोकन करेंसी की बात आई ये टोकन आ, या कॉपर करेंसी की बात आई कि कॉपर करेंसी लाइक सेल्यू एज वॉट इज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अकॉर्डिंगली तो लोगों ने क्या किया लोगों ने अपने घरों के जो बर्तन थे ना देड मिल्टिंग इन दाउंट वहां से उन्होंने कॉइन्स बनाना शुरू कर दिया सो दिस दिस लेड टू व्हाट हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी और क्या किया इन्होंने ऑब्वियसली तो जब उसे दिखा किस द वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑब्वियसली जब मॉनेटरी इन्फ्लेशन आया और जब इस तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन आया तो कॉइन्स की वैल्यू क्या हुई कॉइन्स की वैल्यू कम हो गई और जब उसे दिखा ओ माय गॉड कॉइंस की वैल्यू कम हो गई फिर ये कॉपर करेंसी वाला टोकन करेंसी वाला सिस्टम कैंसिल करो सो दैट्स ही ही नो हिज ऑल हिज पॉलिसीज दैट इट पॉलिसी थ्री मेजर यू नो टैक्सेशन ऑफ जॉब शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल एंड देन दिस टोकन करेंसी ऑल दिस थ्री फेल्ड एक और चीज उन्होंने की टू कॉन्कर खुरासन इराक और उस रीजन का जो कॉन्कर करने के लिए ऑलरेडी आपके पास खजाना नहीं है आपके पास पैसा नहीं है हाइपर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में आपकी आधी से ज्यादा जो uh, कहना चाहिए द पीपल हु सपोर्टिंग यू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पीपल वो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल में जा चुके हैं दे आर नो मोर एंड इंस्टेट ऑफ दैट व्हाट यू डिड यू डिड दिस दैट हमें कॉन्कर तो करना है हमें कॉन्क्वेस्ट तो चलाना है एंड ड्यू टू दिस है अपार्ट फ्रॉम दैट मंगोल इन्वेजन का डर तो हमेशा से था और तामाशरीन जो था एक मंगोल इन्वेडर था उसको अपीस करने के लिए कि भैया तुम जो हमसे पैसा ले जाओ हम तुम्हें गिफ्ट दे देते हैं बट uh, आप हम पे अटैक मत करो इसकी वजह से एक तो इसकी वजह से बर्डन बहुत बड़ा और फिर ये जो उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट और नेशनल ट्रेजर जो शाही खजाना था उसमें ढेर सारे उससे क्या किया ढेर सारे गिफ्ट दे दिए किसे ये तामाशरीन को एक मंगोल लीडर था टू तो अवॉइड मंगोल इन्वेजन तो ये भी क्या हुआ बर्डन बनता गया किसके ऊपर शाही खजाने के ऊपर एंड अल्टीमेटली द फेल्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर नो इकॉनॉमी कैन सर्वाइव नो एम्पायर कैन सर्वाइव विदॉमी अर्थव्यवस्था के बगैर साम्राज्य का चलना मुश्किल है नामुमकिन है So, uh, yeah, the uh, you know they were good. Uh, it was always claimed that the you know Muhammad bin Tughlaq's domestic policies were good, but due to faulty measure they failed. And <coughs> uh, this started somewhere. This was the first instance which started the decline of uh, Delhi Sultanate because of this hasty decisions and defective policy implementation. So, because of Muhammad bin ki this act, se kahin the fall of Delhi Sultanate will start. मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक आते हैं अब फिरोज शाह तुगलक आए ही वाज सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक यंगर ब्रदर मींस ही वाज लाइक कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वो आता है अब उसके ऊपर uh, जो भी uh, सबसे पहले तो उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि उसे डैमेज कंट्रोल करना था एंड आई बिलीव द होल Uh, time period of Feroz Tughlaq was uh, was like uh, in only spent in know uh, doing the damage control or uh, actually undoing the damage what what has been done by Muhammad bin Tughlaq. So uh, first of all, we'll see what administrative reforms he took because First of all, he you all the Taqawi uh, एग्रीकल्चर लोन दिए थे वो सारे जो है उसने वापस लिए रेज दैलरी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर सबसे पहले उसने ये किया क्यों ताकि जो करप्शन है जो ब्राइबरी है उसे कंट्रोल किया जा सके ब्रॉट एंड एंड टू ऑल अनलॉफुल एंड अनजस्ट टैक्सेस उसने सारे जो इधर उलूल जुलूल किस्म के टैक्स जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगा रखे थे वो सारे खत्म किए और सिर्फ चार टैक्स रहने दिए सिर्फ चार टैक्स पूरे आ, एम्पायर में ये फिरोज शाह तुगलक के वक्त के चार टैक्स इंपॉर्टेंट है ये मैच द ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है तो ध्यान रखिएगा उसके चार टैक्स कौन से थे खर्ज वन द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड तो जो भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका वन टेंथ किसको देना पड़ेगा आपको शाही खजाने में देना पड़ेगा सिर्फ और ये यूनिफाइड था ये सब सबके लिए बराबर था खम्स वन फिफ ऑफ द वॉर बूटी वन फिफ्ट ऑफ द वॉर बूटी वॉर बूटी क्या होता था uh, वो जब uh, सिपाही जो है या जो भी लड़ने जाते थे और वो सामने वाले uh, टीम uh, सामने वाले जो जी, राजा महाराजा थे उनकी सेना को हरा देते थे तो ये क्या करते थे फिर उनके खेमे में जाते थे उनके कैंप्स में जाते थे और जिसके हाथ जो लग जाता था वो उसका होता था तो दिस इज नोन एज वॉर बूटी तो उसने कहा नहीं वॉर बूटी आप ले रहे हो वेल एंड गुड आपके लेने पे कोई रोक नहीं है लेकिन जो भी आप लेके आओगे उसका वन जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा तो दूसरा टैक्स था खम्स तो खरज खम्स जजिया नो नीड टू टेल यू जकत टैक्स ऑन मुस्लिम लाइक जजिया वॉज ऑन नॉन मुस्लिम्स एंड ऑन मुस्लिम्स इट वॉज जकत सो so, चार ही तरीके के टैक्सेस उसने सारे इधर उधर के जो भी अनजस्ट और अनलॉफुल टैक्सेस जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाए थे उनको उनको सबको खत्म किया और सिर्फ चार ही टैक्स रहने दिए दैट इज जजिया जक़ात खरज और खम्स अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिफॉर्म्स सब कुछ अच्छा भी करना था हंड्रेड फिफ्टी वेल्स हंड्रेड ब्रिजेस फिफ्टी डैम्स एंड ऑल्सो डनी इरीगेशन कैनाल्स सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इरिगेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ तुगलक इन 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 इंप्रूविंग क्योंकि उसने कहा कि हम जब तक इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑब्वियसली ये वेल्स ब्रिजेस ब्रिजेसर कनेक्टिविटी डैम्स इरीगेशन पर डैम्स के रिजर्वयर्स उन्होंने वो शुरू की तो उसका पर्पज ये था कि जितना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा जितना ईजिली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है हमें खर्च जो है जो टैक्स था लैंड ऑफ वन टेंथ ऑफ द प्रोड्यूस हमें उतना मिलेगा सो इंस्टेड ऑफ लिविंगमेंटिंग अगर आप टैक्स ले रहे हो तो आप उनको सरकार अगर टैक्स ले रही है तो वो उसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे

though important, uh, three important actually uh, offices or uh, three important institutions which he established. Uh, number one was Darul Shafa, Darul Shafa means hospital. Then uh, Diwan-e-Istibkak, diwan was a marriage bureau uh, and an employment bureau. And apart from that he was, he opened, a, he established a, uh, an, an office, an institution called Diwan-e-Khairat. Divane Kharat means which was, you know, uh, uh, aimed to provide फाइनेंशियल एक्ट एड टू दुअर सो ये आपको तीन चार चीजें ध्यान रखना है क्वेश्चन इज लाइक मैच मेंिस इज अबाउट दर्क डन बाउट हिस्सन पॉलिसी फिरोज तुगलक एक्चुअली बंगाल को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया एंड uh, जयनगर को भी इन्होंने uh, uh, अटैक किया जगन्नाथपुरी टेम्पल पे भी अटैक किया सो दिस वॉज दिस वॉज समार्ट फ्रॉम ऑल दिस गुड स्टफ ये कुछ उनके कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स uh, थे खैर आगे बढ़ते हैं फिरोज इंपोर्टेंस ऑफ फिरोज तुगलक इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री तो इस जनरस uh, जो मेजर्स थे जो भी अभी हमने इतने अच्छे मेजर्स पढ़े हैं टैक्सेशन कम करना और इस तरीके के दार हॉस्पिटल्स मैरिज ब्यूरो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो दीवान खैरात इस तरीके के जो ऑफिस या इंस्टीट्यूशन थे उसको स्टैब्लिश करने के लिए ही फिरोज इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज तुगलक ये ध्यान रखिएगाइज द स्कॉलर याउ्दीन बर्नी

अ uh, अदर दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है कि तैमूर ने जब इन्वेजन किया तब कौन था तैमूर ने जब इन्वेजन किया इट वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक एंड 3098 में तैमूर ने दिल्ली कैप्चर किया दिल्ली पे हमला किया कैप्चर भी कर लिया बिकॉज़ दिस दिस गाय वाज नॉट दैट स्ट्रांग और uh, तुगलक डायनेस्टी का दी एंड हो जाता है पीपल वाज स्लॉटर्ड एंड दिस तैमूरस इन्वेजन फ्रॉम 13 1398 कॉज द एंड ऑफ tughlaq dynasty. so this was all about tughlaq dynasty. Uh, the this, this series will continue with uh, moving on to the sayad and the lodis. We, uh, we have like Bahamani and vijayanagar kingdom. so i guess i will have to do roughly maybe three sessions more before we move on to the mughals. so i hope you have done it. Uh, you have got uh, what you know, i meant to tell you and uh, you are studying well. you are doing well. My best wishes are with you. Have a great time at home. Stay safe. Stay healthy. Thank you so much.